हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बाबूलाल साहू अंतगढ़। यह दृश्य लक्ष्मण झूला का पावन नगरी राजिम में स्थित यह लक्ष्मण झूला अपना विशिष्ट स्थान रखता है। विशालकाय नदी रिवर जिसको पार करने के लिए संसाधन के रूप में यह लक्ष्मण झूला के रूप में डेवलप किया हुआ एक पुल है जो बनकर निर्मित होकर तैयार है, जिस पर चलकर हमारे श्रद्धालु इस पावन नगरी पर स्थित एक विशालकाय जो मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, राध्य देव शिव जी की प्रतिमा, शिव जी का आसंदी पे आकर नमस्कार प्रणाम कर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। उसी तरह से आज यह परम सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ और यह सौभाग्य हमें जो प्राप्त हो रहा है यह भी एक अनूठा संगम है। पावन नगरी राजिम में स्थित यह ब्रिज अति मनभावन और एक आकर्षक और दर्शन का केंद्र है, जहाँ पर चलकर लोग राजिम से नवापारा से आकर इस मंदिर में, यह प्राचीनकालीन मंदिर कहलाता है, यह मंदिर में अपना दर्शन कर माथा टेक कर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। यह मंदिर प्राचीनकालीन है और प्राचीनकालीन मंदिर भी आज हमें इतिहास के बारे में बहुत कुछ बयां करती है। ये हमारे मित्रगण हमारे साथ मनीष साहू जी, और मनीष साहू जी और पधारे हुए हैं। मनीष साहू जी जो है पधारे हैं, जो आप स्पष्ट देख सकते हैं। ये हमारे मित्र मनीष साहू पापेश्वर साहू ग्राम छिपली से दर्शकों का दूर दूर तक आप देख दृष्टिगोचर हो रही है। लगभग यह मंदिर के छोर से यह दृश्य दूर दूर तक देख रहे हैं और ये प्राकृतिक छटा प्राकृतिक संपदा जो आपको दिखाई दे रही है, ये नेचुरल सीन जो आप बहुत दूर दूर तक देख पा रहे हैं, यह 5 किलोमीटर लंबा टावर जो आप दृष्टिगोचर हो रहा है, ये टावर जो है 5 किलोमीटर लंबाई में है, स्थित है यहाँ से, डिस्टेंस फ्रॉम हियर 5 किलोमीटर टू टचिंग द ट्रांसपेरेंट टावर, इलेक्ट्रिक टावर।
हमारे मित्र एम्ब्रे के साथ ये शानदार वीडियो कर रहे हैं। मनीष साहू जी जो है हमारा फिल्म डिवाइन विजन को हम किस प्रकार और कैसे डेवलप कर सकते हैं, उस पर एक नेचुरल फिल्म मनुष्य के साथ में प्राकृतिक जीवन का क्या ना और कैसे अहम रोल है, इसका फिल्म के रूप में चंद दिनों में डेवलप होकर आपको दिखाया जाएगा। डिवाइन विजन हाउ इज टू शो इस फिल्म बाय द डिवाइन विजन मनुष्य का जन्म शायद इसी लिए तो हुआ है, उसका दृष्टिकोण क्या है, जीवन जीने का कला स्टाइल और तरीके कौन कौन से हैं, आपको साक्षात जो है जहाँ से हम माथा टेक कर आए हैं वह मंदिर का एक दृश्य आप देख रहे हैं। यह महानदी का संगम है राजिम, और एक पावन तीर्थ नगरी के रूप में यह विकसित हुआ। यह राजिम है जहाँ से आप हमारा एक ब्लॉक रूप में यह दृश्य को देख पा रहे हैं। हमारा आने का जो प्रयोजन है वह भी आप समझ रहे हैं कि हमारा जो प्रयोजन क्या है, और ये विशाल का है जो है ये लक्ष्मण झूला कहते हैं, लक्ष्मण झूला के रूप में स्थापित यह भी हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित यह पावन नगरी तीर्थ नगरी राजिम एक आकर्षण का केंद्र बना है। वंडरफुल साइन अ व्यू फॉर मेनी मेनी पर्सन। पीस ऑफ लाइफ एंड पीस ऑफ छत्तीसगढ़ एंड विजन ऑफ द छत्तीसगढ़ लार्ज डिवाइन विजन से आप निहार सकते हैं, आपको आनंद ही आनंद मिलेगा और केवल आनंद ही की प्राप्ति होगी। नेत्र सुख तो सबसे बड़ा है, इससे आप अपने आत्मा को मन को कृतार्थ कर सकते हैं। थैंक यू एंड वेरी मच। काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बाबूलाल साहू अंतागढ़। थैंक यू वेरी मच।